रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको अमल या वजीफा बताऊंगी, उससे पहले इतनी सी बस गुजारिश है कि अपनी इस बहन को याद जरूर रखें। अमल के वक्त हमें जरूर पता होना चाहिए कि आप क्या अमल कर रहे हैं, क्या मतलब कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे, ताकि उस्ताद आपके लिए, शागिर्द के लिए ऐसे होता है जैसे एक रहबर, रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। और उस्ताद का रुतबा जो है वो माँ बाप से भी बुलंद होता है। तो बस इस चीज का ख्याल रखें, जब तक आपको अमल की मैं इजाजत नहीं तो प्लीज कोई अमल नहीं करें। मुझे एक दफा आपका इस्तखारा वगैरह चेक कर लेने दिया करें। और दूसरा, अगर कोई इतना बड़ा मसला है, जादू जिन्नात या कोई इस किस्म की परेशानी है, कारोबार का मसला है, सफरी इलम का मसला है, तो अपनी बहन को जरूर याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। आज की सबसे प्यारी अहदीस, जब रमजान मुबारक की पहली रात आती है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो आसमान और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आखिरत रात तक बंद नहीं होते। तो जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात को, जो कोई बंदा इस मुबारक रात में इबादत करता है, अल्लाह को याद करता है, अल्लाह से फरियाद करता है, तो उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। और क्यामत वाले दिन जिस दरवाजे से चाहे, एक दरवाजा है रमजान मुबारक का, जो रजवान फरिश्ता है रजवान, तो उस दरवाजे से हम दाखिल होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जो फरिश्ते खड़े हुए हैं ना, तो वो उनका नाम रजवान है, तो वो अंदर जो है दाखिल करवाते हैं। तो ये थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं, इस चीज का ख्याल रखा करें। रात को इबादत भी जरूर किया करें, सोते वक्त लाजमन आप इबादत करके सोया करें, चाहे थोड़ी बहुत करें, लेकिन सिर्फ ये होता है तरावीह वगैरह जरूर आप पढ़ा करें, क्योंकि रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करना बहुत अफसल है। सारा साल इबादत करना बहुत अफसल है, लेकिन कुछ चीजें मखसूस हैं, अल्लाह पाक ने रखी है, उसे इस चीज का हम ख्याल रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं आपकी बहन, आपके साथ ही हूँ। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख आपको है, अपनी इस बहन को जरूर याद करें। या वदूद, अल्लाह का विर्द अपने बंदों के दिलों में ऐसी मोहब्बत पैदा करने के लिए पढ़ा जाता है। सच्ची मोहब्बत, सच्ची नीयत अगर है तो अल्लाह पाक भी आपका साथ देते हैं। आमतौर पे मोहब्बत इस तरह कबूल होती है कि अपने प्यारे, अपने जो महबूब प्यारे होते हैं, जो दिल के बहुत अजीज होते हैं, उनको मुहित तसखर या मुसखर करने के लिए, तस्खीर करने के लिए यह अमल किया जाता है। बहुत ज्यादा वो शख्स जिसके लिए अमल कर रहे होते हैं, या कोई बहन भाई होता है उसके लिए अमल कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा मोतबर होता है। हस्बैंड वाइफ के लिए भी बहुत ज्यादा ये आला, अगर ससुराल में कोई मसला है, कोई परेशानी, तो ये वजीफा लाजमन आप कीजिएगा। आपसी मोहब्बत को पैदा करने के लिए ये वजीफा मैं आज आपको बताने लगी, लेकिन इसका तरीका जो है वो आप गौर से सुन लें। सबसे पहले आपने या वदूद, ठीक है, इसकी पढ़ाई करनी है। साथ में जो एक आयत मुबारक है उसका अपनी फिर्द करना, सूरह यासीन के बिल्कुल आखिर में। या वदूदु आपने कम अज कम 1400 मरतबा पढ़ना है। फिर आपने एक दफा आयतल कुर्सी, एक मरतबा सूरह कौसर, एक मरतबा सूरह इखलास, ये पढ़ने के बाद इसके बाद आपने आखिर में पढ़ना है कुन, सजदे में चले जाना है। फिर पढ़ना है फायाकुन, दुआ मांगे, जब सजदे में जाना है दुआ मांगनी है, जिस मकसद के लिए आप करें, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, जिसके लिए अमल कर रही हैं, मियां बीवी का मसला है तो जो अगर कोई बहन कर रही है तो वो अपने मियां का नाम, उसकी वालदा का नाम, अगर कोई भाई अपनी वाइफ के लिए कर रहा है या बीवी के लिए कर रहा है उसका नाम, उसकी वालदा का नाम, इस तरह से। अगर कोई अपना किसी प्यारे के लिए कर रहा है तो उसका नाम, उसकी वालदा का नाम लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप ये अमल करें, सजदे में जाके फिर फायाकुन लाजमन कहना है ताकि आपकी फौरन दुआ कबूल हो जाए।
کہ اس کا یہ طریقہ بہت اعلیٰ ہے. اگر فرض کرے کوئی رشتوں کی بندش یا پسند کی شادی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, اپنے پیاروں کو بہت زیادہ انہوں نے تکلیف پہنچائی ہو ان کو تسخیر کے لیے, یہ اس سے بڑا اسم الہی کا خاص جو عمل ہے وہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. تصور میں لا کر آپ دم بھی کر سکتے ہیں, اگر آپ کو تصور نہیں بنانا تو غیبی دعا کر سکتے ہیں, دلوں کے حال اللہ کی ذات جانتی. عمل عشاء کے ٹائم آپ لازم کریں, نہیں تو کم از کم جب ظہر کی نماز پڑھے تب کریں, تاکہ بہت زیادہ گرمی سورج کی تپش ہو تب کریں, نہیں تو پھر عشاء کے ٹائم لازم کریں, تب خاموشی ہو. عمل کے درمیان بات نہیں کرنی, عمل کے درمیان بولنا نہیں ہے آپ نے. عمل کا مطلب کہ تصور اتنا مضبوط ہو کہ سمجھے آپ اس سے بات کر رہے ہیں, اتنے محیط ہو. عمل کے دوران روشنی نہ زیادہ ہو, اندھیرا ہو. اس لیے کہتی ہوں کہ اگر جن کو ڈر لگتا ہے تو وہ پھر دن کے ٹائم کر لیں. نمبر 3, خوشبو کا استعمال کریں, عطر لگائیں. نمبر 4, باوضو ہو کر کوئی کچا ادرک لہسن پیاز نہ استعمال کیا, مسواک کی ہو یا برش کی ہو. نمبر 5, ایک بات یاد رکھیے, عمل کی اپنی ایک طاقت ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عمل نہ کرے, اتنا مطلب کہ عمل ایک دن کا ہی عمل ہے تو ایک دن کا مطلب کہ عمل نہ کر سکتا ہو, تو پھر 3 دن یا ودودو کا ذکر کرے, ٹھیک ہے, جس طرح میں نے عمل بتایا چلتے پھرتے پڑھیں, تو یہ وظیفہ ہو گیا. تو جو میں نے عمل بیٹھ کے ایک جگہ ٹک کے کرنے والا ہے وہ میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا. اگر فرض کرے رشتوں کا مسئلہ ہے, اگر فرض کرے کسی کی اولاد اتنی نافرمان ہے وہ کہنا نہیں مانتی, بات نہیں سنتی, تو یہ وظیفہ ضرور کرے. انشاءاللہ اتنی طاقت ہے اس وظیفے میں, اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے, اتنے پیارے یہ صورتیں اور نام مبارک ہے کہ اللہ پاک نے, اللہ پاک کی ذات انسان کے ساتھ ایسے جڑ جاتی ہے, اس کی ہر دعا ہر فریاد پوری. پاورفل جو ہے اپنے پیاروں کو پانے کے لیے یہ وظیفہ ہے, ضرور کیجیے گا. اگر کسی کو شادی کا مسئلہ ہے تب بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فریاد کریں, اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں جو آپسی محبت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اگر کسی نے شادی کے لیے کرنا ہو یا کوئی شادی کروانا چاہتا ہو یا اپنے کسی ایسے پیارے سے وہ شادی کرنا چاہتا ہو, تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نکاح, نہ کہ حرام کوئی ایسی کوئی حرکت ہو یا کوئی گناہ ہو, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نکاح. تو نکاح بہت موت پر ہے, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.